दोस्तों, अब BSNL जल्दी ही नक्सल प्रभावित इलाके में मौजूद अपने 2G टावर्स को इंडिजीनियसली डेवलप्ड 4G टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड करने जा रहा है। BSNL के नक्सल प्रभावित इलाकों में टोटल 2542 साइट है जिन्हें वो जल्दी ही अपने इंडिजीनियसली डेवलप्ड 4G टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड करने वाला है। जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दें कि BSNL ने TCS यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और C-DOT यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स के साथ मिलकर इंडिजीनियस 4G टेक्नोलॉजी यहां पर डेवलप की है, जो हमें पूरे देश में 15 अगस्त 2022 को देखने को मिल सकती है। मित्रों, जो दूसरा विषय एक और, हम अधिकतर सड़कें, रेलवे और बाकी सब, पानी, इस सब की बात करते हैं कि मूलभूत सुविधाओं का एक अंग वो भी है पक्के मकान, शौचालय से लेकर बाकी सब। लेकिन अभी मैं देख रहा हूं आप सबके हाथ में मोबाइल फोन है, यहां पर 4G है, लेकिन LWE एरियाज में 2G कनेक्टिविटी है। तो उन क्षेत्रों में भी माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि जहां एक और पक्के मकान, सड़क, बिजली, शौचालय, बैंक अकाउंट सब बनाकर दिए जा रहे हैं, वहां पर टेलीकॉम के नेटवर्क में भी सुधार हो और ये जो 2G की सुविधा है इसकी जगह 4G की सुविधा वहां पर मिले, तो देश के 10 राज्यों में 2542 टावर्स को आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल ने 2G से 4G में अपग्रेड करने के लिए 2426 करोड़ रुपए का अनुमोदन किया है। और ये सभी साइट्स नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हैं। इनमें आत्मनिर्भर भारत में बने 4G कोर नेटवर्क, रेडियो नेटवर्क एवं टेलीकॉम इक्विपमेंट्स का उपयोग किया जाएगा। इन सभी साइट्स को BSNL ही अपग्रेड करके संचालित करेगा। इसमें आंध्र प्रदेश में 346, बिहार में 16, छत्तीसगढ़ में 971, झारखंड में 450, मध्य प्रदेश में 23, महाराष्ट्र में 125, उड़ीसा में 483, पश्चिम बंगाल में 33, उत्तर प्रदेश में 42, तेलंगाना में 53, कुल मिलाकर 2542 टावर्स को अपग्रेड किया जाएगा, 4G बनाया जाएगा। ये डिजिटल इंडिया को बल देने के लिए है। जहां एक और स्वनिधि में डिजिटल पेमेंट्स करने के लिए वेंडर्स को इंसेंटिव मिलता है, ऋण में वृद्धि मिलती है, पहली से दूसरी बार में दुगना कर दिया जाता है, फिर 50,000, वैसे ही LWE एरियाज में 2G से 4G सीधा ही जाने का निर्णय लिया गया है। इससे इलाके में अगर मैं कहूं, जो टेलीमेडिसिन की बात हो, ई गवर्नेंस की बात हो, बैंकिंग सुविधाओं की बात हो, टेली एजुकेशन की बात हो, टेली मेडिसिन की बात हो, इनमें गुणवत्ता आएगी, इनमें सुधार होगा। और आपदा के समय हमने ग्रामीण अंचल में हमने देखा कि कैसे ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब बच्चों ने भी और बाकियों ने भी टेलीकॉम सेवाओं के माध्यम से पढ़ाई लिखाई की है। इस क्षेत्र में भी इसका कोई नुकसान ना हो, तो ये जिम्मेदारी BSNL को दी है और ऑपरेशन और मेंटेनेंस करने का काम भी BSNL ही इसमें करेगा।